वीडियो में देख सकते हो दोस्तों, जानवर भी देख रहे होंगे और नदी भी दिख रही होगी। ये हमारे गांव की ही नदी है जो सोन नदी के नाम से जानी जाती है, और ये नदी लांजी से और आगे से कहीं से निकलती है, उसका मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। और ये आगे जाकर जो लांजी बालाघाट रोड है बिनोरा पर, वो जो पुल मिलता है वो वही वाली नदी है ये। और ये नदी आगे जाके कांदरी मुंडेसरा धामनगांव जो बोलते हैं वहाँ जाकर देव नदी में मिलती है। ऐसे मिलते मिलते फिर आगे जाकर वैनगंगा नदी में मिलती है। ये वही सोन नदी है। और देख सकते हो ये जो हमारे गांव के साइड में जो गुलुआ गांव पड़ता है, वहाँ के जानवर है जो हमारे इधर चरने के लिए आते हैं। यहाँ जंगल है, आपको पता ही होगा वीडियो में देखे होंगे, तो ये ऊपर पूरा जंगल है इधर, बहुत लंबा है, लगभग 200 से 250 एकड़ का होगा। पूरे पलसे के पेड़ हैं और कुछ नहीं है, और बस जानवर चरते हैं बरसात भर, बरसात के दिनों में। तो देख सकते हो अभी नदी किनारे, नदी में बाढ़ बहुत कम है, अभी पानी नहीं आया है, बरसात ही नहीं हुई उतनी ज़्यादा, तो बाढ़ भी नहीं। तो यहीं इधर पास तक, यहाँ जहाँ गाय चढ़ रही है यहाँ तक पानी भरा रहता है। तो सब देसी गाय है, देख सकते हो दोस्तों, पूरी रेड कलर की भी है, वाइट कलर की है, साथ में बकरी भी है जो गाय के साथ में चरने आ जाती है। तो एक ही वो जो काली कलर की दिख रही है वो थोड़ी क्रॉस ब्रीड में लग रही है, बाकी पूरी देसी, वो एकदम जो देसी गाय है ना, जो थारपारकर भी नहीं है और जो हरियाणवी भी नहीं है, पेवर शुद्ध एकदम देसी बोलना चाहिए, उस नस्ल की है। और इनकी मिल्क कैपेसिटी की बात करें तो 2 से 3 लीटर बहुत हो गया दिन भर में। बस इनको इसलिए पाला जाता है कि इनके जो बछड़े आते हैं मेल काफ, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छी जाति अच्छी ब्रीड के निकल गए तो उनकी अगर जोड़ा है तो लगभग 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार, 1-1 लाख तक से भी महंगे बिकते हैं, अगर उनको 1-1 साल के बच्चे अगर अच्छे पाल लिए हो, अच्छे पाल पोस करके रखे हो और जोड़ा अच्छा बना है सेम टू सेम, तो बहुत अच्छे महंगे बिकते हैं, इसलिए इन गायों को पाला जाता है हमारे इधर। देख सकते हो इनके मट्ठे, जो मस्तक है बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा चौड़ा नहीं, बिल्कुल गोल मट्ठे की होती है। और गिर साहिवाल से बिल्कुल अलग, थोड़ी बहुत थारपारकर से मिलती है पर शुद्ध थारपारकर भी नहीं है, उनसे भी बहुत, यानी जो क्रॉस 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 करके बिल्कुल नस्ल का बेनस्ल हो गया है, वो वाली नस्ल है ये। तो देख सकते हो ये जो साउंड आ रहा है आपको, तो इनके गले में वो एक घंटी बोलते, घंटी लगा दिए हैं, घंटी को हमारे इधर उसको टापरू बोलते हैं, जो बहुत, यानी लगभग यहाँ अगर 50 गाय हैं तो यहाँ से 10 गायों में वो टापरू ज़रूर बंधा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई गाय इस झुंड को छोड़ के अलग चली जाए तो आसानी से उसके जो साउंड आ रहा है उस टापरू से, इससे पता चल जाता है कि गाय इधर है, इसलिए बहुत साउंड आ रहा होगा, अभी भी आप सुन रहे होंगे। वही हमारी भैंसियों में नहीं है, देख सकते हो किसी भी भैंसी में नहीं है और गाय में भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि ये जो भैंस है बांडी, ये बहुत आगे निकल जाती है चरते चरते, और ये जो पीछे वाली भैंस है पीछे रह जाती है, तो ये भैंस फिर बहुत ढूंढना पड़ता है तब आती है। अगर इसके गले में वही टापरू होगा ना तो हमको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या अगर आगे जा भी रही है तो मिल जाएगी, उसके साउंड के पीछे पीछे बाकी भैंसी भी चल जाएगी। देखो अभी भी झुंड में सबसे आगे है ये भैंस, इधर अभी पीछे है, वो चरते चरते बहुत आगे निकल जाएगी। और झाड़ी वाला जंगल है पूरा, देख सकते हो, अगर एक भैंस झाड़ी के पीछे गई तो दिखना नहीं है। तो कल तो बहुत परेशान हो गया था भैंस, इस भैंस के कारण भी और हमारी जो दोनों गाय है उनके कारण भी, गायों ने तो बहुत परेशान कर दिया। रात में लगभग 7:30 बज गए थे गायों को ढूंढते ढूंढते, तो गाय मिली नहीं, मैं भैंस लेके घर चले गया। बाद में एक गाय आई बड़ी वाली काली वाली, और छोटी वाली गाय लगभग 7:30 बजे जब हम दूध निकाल रहे थे उतने टाइम मैं जंगल आया, तो मैं जंगल आया और वो दूसरे रास्ते से घर पहुंच गई, ऐसा हुआ। तो आज उनके पैरों में रस्सी बांध कर लाया हूँ कि ज़्यादा दौड़ ना सकें, तो आज थोड़े अच्छे से है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में।